बार फिर से जुड़े हैं। शीतलहर, दिन को तापमान 4 डिग्री गिरो, धूप न निकलने से बड़ी चिटवन दिन भर रही धूप। छतरपुर जिला में 3 दिन तक चिटवन से राहत मिलने के बाद सोमवार का दिन को पारा फिर से एकाएक 4 डिग्री नीचे आ गया। उतना ही दिन भर धूप नहीं निकल पे और बूंदाबांदी होने से चिटवन बढ़ गई। दिन भर लोग गर्म कपड़ा में नजर आए। उतना ही शाम होते ही बाजार और मुख्य स्थलों पे सन्नाटा पसर गया। हिंसक विवाद, एक दोस्त ने दूसरे पे चाकू से हमला कर घायल कर दो, घर तक छोड़ने का लग गए। दोनों के बीच में विवाद बहुत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटे रोड पे रविवार की देर रात शराब पार्टी के दौरान दो युवकों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पे एक युवक ने दूसरे पे चाकू से हमला कर दो, जिससे वो घायल हो गया। घायल का परिजन ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा हुआ है। हमला करने वाले युवक आरक्षक को और घायल प्रधान आरक्षक को बेटा। पंचायत में दिन भर लटके रहे ताले, मुख्यालय पे नहीं पहुंचे पटवारी, भटकत रहे स्थानीय ग्रामीण। उप तहसील जुसार नगर में इस समय पटवारी मुख्यालय से नदाल रात है, जबकि उनकी जगह उनके मुंशी काम कर रहे हैं। कलेक्टर सीलन सिंह जी ने पटवारी खां अपने हल्का क्षेत्र में सोमवार और गुरुवार का ग्राम पंचायत में बैठने के आदेश दिए, लेकिन उनके आदेश को क्षेत्र के पटवारी पे कोई भी असर नहीं हो रहा। सोमवार का कई ग्राम पंचायत में ग्रामीण व किसान अपने कामन के लाने पहुंचे, पटवारी के इंतजार में घंटन बैठे रहे, लेकिन पंचायत कार्यालय में दिन भर ताले लटक गए। मांग, मुआवजा राशि न मिलने से नाराज बक्सवाहा क्षेत्र के किसान प्रमुख अनशन पे बैठ गए। बक्सवाहा जनपद क्षेत्र के अनेक किसानों के खातन में खरीफ फसल की मुआवजा राशि अभी तक नहीं डाली गई। इसे नाराज किसानों ने किसान संघ के बैनर तले सोमवार से क्रमिक हड़ताल शुरू कर दी। मुआवजा की समस्या का लग गए। रविवार को किसानों ने बक्सवाहा के बस स्टैंड पे आम सभा करी थी। किसानों ने सोमवार से क्रमिक हड़ताल शुरू करने की घोषणा करी। किसानों को कहबो है कि अगर उनके खातन में राहत राशि नहीं डाली गई तो बुधवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी जाए। अवैध शराब पकड़ाई, यूपी से बैच में लाई गई 25 लीटर अवैध शराब जब्त हो गई। गौरीहार पुलिस ने यूपी से लाई जा रही 13,000 रुपया की कीमत की 25 लीटर अवैध शराब जब्त करी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करी। गौरीहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत जी ने बताया है कि देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विक्रय कर बिक्राने अवैध शराब ग्राम मुंबई घाट ले रहे। सीएम का आश्वासन, जल्द शुरू हुई है एनएमडीसी हीरा खदान। पर्यावरणीय अनुमति न मिलने के कारण 1 जनवरी से हीरा खदान कर दी गई थी बंद। पन्ना जिला से बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पन्ना विधायक खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी और सांसद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का एशिया के एकमात्र मैकेनाइज्ड हीरा खदान एनएमडीसी मसबोस जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। पर्यावरणीय अनुमति न मिलने के कारण खदान 1 जनवरी से बंद है। आरएसीसी के अधिकारियों को ब्रह्मांड किसान जैविक खाद को उपयोग कर बेहतर उत्पादन। एसबीआई में आरसीसी के अधिकारी ने प्रगतिशील किसान चितरंजन चौरसिया जी के निवारी गांव में जैविक खाद उत्पादन इकाई को भ्रमण करोगे। शाखा के मुख्य प्रबंधक अनिल गुप्ता, प्रबंधक विवेक रावत जी और प्रबंधक संदीप पटेल जी का ये अवसर पर प्रगतिशील किसान ने केचुआ खाद बनावे की जानकारी दी। किसान ने बताया है कि रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकन से जहां भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही, उतना ही दूसरी ओर जो महंगे होने के कारण खेती की लागत भी बढ़ रही है, जबकि उत्पादन कम हो रहा है। ऐसे यदि किसान जैविक खाद का उपयोग अपनी फसलों में करे तो न केवल बेहतर उत्पादन हुई है बल्कि व्यय होने वाले अधिक खर्च का भी कम करो जा सकता है। ऐसे किसानों का जैविक खाद को प्रयोग करो चाहिए और जैविक खाद किसानों के पास उपलब्ध गोबर, चारा, भूसा, गौमूत्र आदि तैयार राख है, सभी किसान के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। महासंपर्क अभियान, हम अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर को सपना साकार को देखे डॉक्टर खरे जी कह रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जिला में महासंपर्क अभियान चलाओ जा रहा है। ई के तहत जवाहर रोड में एक शादी घर में चिकित्सा श्रेणी द्वारा सम्मेलन आयोजित करो। ये कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विभाग संघ संचालक राजन चतुर्वेदी, जिला संघ संचालक दिनेश तिवारी सहित वरिष्ठ चिकित्सक एमपीएन खरे जी मंचासीन ने ज्ञापन सौंपो। चोरियों को खुलासा न होने पर बुधवार का बाजना में बाजार बंद कर बिकवाला। पुलिस अनुभाग क्षेत्र के बाजना थाना में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है। पुलिस बाजना में लगातार हो रहे चोरियों के खुलासा नहीं कर पाई, जिसे दुकानदार, व्यापारी व कस्बा वासियों में आक्रोश है। नाराज दुकानदार व कस्बा वासियों ने थाने पहुँच के ज्ञापन सौंपो और आक्रोश जताकर बुधवार का बाजार बंद रखने की जानकारी दी। रोशान विधायक ने चंदपुरा और मोराहा के युवाओं का बैट करी क्रिकेट के। स्थानीय विधायक इन दिन युवान में खेलन का बढ़ावा देवे के लाने गांव-गांव में क्रिकेट किटन को वितरण कर रहे। सोमवार का विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने चंदपुरा और मोराहा के युवान का क्रिकेट किट भेंट कर उन्हें खेलवे से जुड़े देवे के लाने प्रोत्साहित करो।
बैठक जिला से कुपोषण मिटावे पंचायत में करी गई बैठक, कुपोषित बच्चन का दी गई जानकारी। टीकमगढ़ जिला से बड़ी खबर, जिला में कुपोषित बच्चन के परिवार का शासन की कल्याणकारी योजना से जोड़ भी कराने जिला प्रशासन ने अभी पहल प्रारंभ करी है और इसके तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ब्रजेश त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में जिला की सभी ग्राम पंचायत में कुपोषित बच्चन के परिवार का शासन की योजना को लाभ दिलावे बैठक आयोजित करेंगे। बैठक मुख्यमंत्री ने करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में सोमवार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भई, जी में सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षण से संवाद कर समीक्षा बैठक में टीकमगढ़ कलेक्टोरेट परिसर टीकमगढ़ में स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी जी संबंधित अधिकारियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बैठक में रोजगार मूलक योजनाएं मनरेगा स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण के लाने बैंक लिंकेज मार्केट लिंकेज और उनके माध्यम से करे जा रहे कार्यों की भी समीक्षा करी। जा कैसी परीक्षा किताब देख के उत्तर खोजे भी में लगे रहे शिक्षक फिर भी सवाल हल नहीं कर पाए। 40% से कम परीक्षा परिणाम देवे वाले मिडिल स्कूल के 297 शिक्षकों में से सोमवार का उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में दक्षता आंकलन परीक्षा में 291 शिक्षक शामिल हैं। 6 शिक्षक गैर हाजिर रहे, इनमें 2 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। 4 अनुपस्थित शिक्षकों का डीओ ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। दक्षता आंकलन में टीकमगढ़ जिला के 171 शिक्षकों में से 169 और निवाड़ी जिला के 127 में से 123 शिक्षक शामिल हैं। दक्षता आंकलन में मिडिल स्कूल के शिक्षकों में से हिंदी में 12, विज्ञान में 11, संस्कृत में 15, गणित में 12 और सामाजिक विज्ञान में शिक्षकों से 25 सवाल पूछे गए। इनमें सभी विषयों के 104 नंबर तक प्रश्न वैकल्पिक थे, इसके अलावा 5 और 7 नंबर के सवाल शिक्षकों से पूछे गए। मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों ने बताओ कि इनमें अधिकांश शिक्षक 3 घंटा के दौरान पूरे सवाल हल नहीं कर पाए। हादसा, इंदौर से लौट रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, टीकमगढ़ के 3 यात्री घायल हो गए। इंदौर से टीकमगढ़ आ रही महाकाल बस सोमवार सुबह बमरोरा तिगैरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में करीब 7 लोग घायल हो गए, जिनमें टीकमगढ़ के 3 लोग शामिल हैं। जिन तीनों बस से टीकमगढ़ अपने घर लौट रहे थे, तीनों घायल का टीकमगढ़ जिला अस्पताल में रेफर करोगे। कब्जा जमींदोज बमोरी तिराहे पे ढाव ढावा, शहर में नजूल की 6000 वर्ग फीट जमीन मुक्त। सागर जिला से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर ले के 4 दिन से सुस्त पड़े अधिकारी सोमवार से फिर अंसर।